का होस्ट, शो का होस्ट मैं हूँ, पहले मैंने बोलना था और लड़की को इतनी जल्दी है कि उसने गाने शुरू कर दिया। बेसिकली दिस इज रेड इंडीज डेब्यू। यहाँ पर हम मौका देते हैं उन सारे आर्टिस्ट को, सारे म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को जो इंडिपेंडेंटली अपना म्यूजिक कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन से गा रहे हैं और यहाँ पर आके फीचर होते हैं। तो जितने भी लोग ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सिंगर्स हमें देख रहे हैं वो रेड एफएम इंडिया ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सेक्शन मिलेगा रेड इंडीज डेब्यू, वहां पर अपना वर्क शोकेस करिए एंड रेड एफएम की टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। एंड ऐसे हमने किया इस लड़की को, चंडीगढ़ को बिलोंग करती है, वेलकम जसलीन ऑलक ऑन रेड इंडीज डेब्यू, वेलकम। वाह वाह सुपर्ब यार। सो आई जस्ट नीड टू नो हाउ इट स्टार्टेड, थोड़ा फ्लैशबैक। एक्चुअली साउंड से आई वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड के यू नो अलग चीजों के जो साउंड है, जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे जो घर पे जो भी बड़े बड़ों के व्हिस्की कैंस वगैरह होते थे, व्हिस्की कैंस तो उनको भी लेके विद स्टिक्स आई यूज्ड टू यू नो वैक देम एंड कोई म्यूजिक बनाने की कोशिश करती थी। घर में कभी कभी डांट नहीं पड़ी होगी पापा, आप क्यों लाते हो बॉटल्स जी घर में? हाँ, मेरे मदर ने शुरू से मुझे बहुत इनकरेज किया है, तो शुरू से ही गाने का बहुत शौक था, बट आई फेल्ट कि मैं अगर किसी को ये बताऊं तो मुझे लोग सीरियसली नहीं लेंगे, यू नो अच्छा सिंगर बनेगी। ये कौन सी क्लास की बात है? ये शुरू से ही आई थिंक जब से मैं 5-6 साल की थी तब से। इनफैक्ट पहला गाना जो मैंने कंपोज किया था वो आई थिंक आई वुड हैव बीन 5 or 6 years old जब किया था। 5-6 साल की थी और गाना कंपोज कर लिया था थैंक्स टू माय मदर पॉलीज सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गाने लिखने ही शुरू कर दिए। तो एक दिन एक डायरी मिली और मैंने खोल ली पूछे बिना विदाउट परमिशन यू नो, तो उधर एक गाना मिला मुझे, सपना, सपना इज अ ड्रीम डायरी के अंदर। हाँ जी, सपना। तो वो सपना बेसिकली पोएट्री जैसा लिखा हुआ था कि ड्रीम फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर वुमेन बेसिकली इन आवर कंट्री, यू नो फीमेल फीटिसाइड डाउरी डेथ। तो मैंने वो कंपोज कर लिया पूछे बिना। तो अभी हम तो सपना भी सुनेंगे। अच्छी चीज है, चोरी अच्छी चीज है, जसलीन ओरक से चोरी अच्छी चीज है, जानते हो अनुभव। सो अभी हम ये सारे ट्रैक सुनेंगे, लेकिन अभी वो गाना जो जसलीन गा रही थी व्हेन द शो स्टार्टेड, राइट, दैट्स कॉल्ड वो खुशबू तुम्हारी, ये भी उन्होंने ही लिखा है। आज तक बताया नहीं किसके बारे में लिखा है, बट यार रोमांटिक सॉन्ग है। आंटी जी किसके बारे में लिखा है? लेट्स फाइंड आउट। सो यू लाइक एंड सिंग दैट सॉन्ग? या। ओके। गिटार बज रहा है, सीटी मार रही है लड़की, घुंघरू भी पैरों में बांध रखे हैं। अनुभव, लाइक आई सेड, मुझे साउंड से एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। सो शुरू से, सो दीज आर टिबेटन प्रेयर बोल्स। ओके, तो ईच बोल इज ट्यून्ड टू अ डिफरेंट स्केल। तो जैसे ये सी स्केल का बोल है, सो ये देखिए आप, तो इसमें जो भी गाने सी स्केल के साथ हैं वो मैं इसके साथ गाती हूं। आप कॉन्स्टेंट रखिए
नहीं, बाहर रिम पे आ रही आवाज आ रही है, अंदर से मेरी आवाज आ रही है कि अनुभव रख दे, maybe I'll try afterwards, शो के बाद. So you're so talented, अनुभव of course. ये छोटे वाला है और वो बड़े वाला है. इसमें भी बड़ा वाला है. तो ये एक तो of course prayer bowl की तरह, it's very heavy, you know. वैसे ये आप इजीली कर पाएंगे. क्या बात है, बहुत तेज आवाज, बिल्कुल ऐसी पापा थप्पड़ मारते थे कान में ऐसी आवाज आती थी. कौन सा स्केल है ये? बी पे है. आज पापा को बताऊंगा बी स्केल पे आपने मारा था मुझे. सो बट इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली यूज करती हूँ. एक गाना अगेन, माय मदर पॉली हैज रिटन दिस सॉन्ग, इट्स कॉल्ड छज्जू. छज्जू तो एक पंजाबी एक्सप्रेशन है, जेड़ा छज्जू दे चबारे ओना बल्ख ना बुखारे, बेसिकली मींस ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट. घर में मजा आता है या जो लुत्फ घर का है वो कहीं भी आप चले जाओ, होम इज द बेस्ट. So Chhajju is somebody who loves traveling, jo character jiske bare mein unhone ye banaya gana, and he's got gypsy feet, he loves traveling, so jithe bhi wo janda hai wahan pe usko ye lagta hai ki ghar yaad aa raha hai, you know. So jab uska man bhar jata hai traveling ke sath, he wants to go home, so he says chal Chhajju kar nu chaliye. Okay, to because ye gana traveling ke bare mein, isme train honi to zaruri hai, train honi zaruri hai, right. So ab hum train ka sound katthe banaye hain iske. Wow, that's right. Lovely. Okay. So we are train ka sound create karne ja rahe hain. So tufani raat hai. Tufani raat. Lovely. Train chal rahi hai. Wow, ye main karunga. Right. So train main chala raha hu. Haan ji. Yatrigan kripya dhyan de. Bilkul. Jasleer Aulakh on Red Indies debut. मैं ट्रेन चला रहा हूँ यार. हाँ, बस कहीं ट्रेन रुक गई. फॉग बहुत है यार, गाड़ी लड़ ना जाए यार. बट दैट वाज लवली यार, दैट वाज लवली. सुपर्ब यार, सुपर्ब, मजा आ गया. थैंक यू. सो एक और गा रहा है, वाज चेकिंग ऑन YouTube, इंटरनेट पे देख रहा था. द सॉन्ग इज माही दे टप्पे. यस, बिकॉज़ ऑल द पंजाबीज आर लाइक टप्पे 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 टप्पे. सो इसके बिना तो अधूरा है आई थिंक. सो एक्चुअली माही दे टप्पे इज रिलेटेड टू अ ट्रेन आल्सो. सो मैं ऊटी में थी एंड पॉली एंड आई वर ट्रैवलिंग. तो वहाँ पे हम दोनों शुरू से ही बहुत इकट्ठे, जस्ट द टू ऑफ अस मदर डॉटर ट्रिप्स करते हैं. तो कई बार कॉम्पोजिशंस भी ऐसे ही बन जाती हैं. तो वो लिखती तो है ही मेरे लिए, बट आजकल हम कंपोज भी इकट्ठे करते हैं. तो ये ट्यून उन्होंने एक ऊटी में ट्रेन पे बनाई थी, विच वॉज आई कैन प्ले इट फॉर यू. Steam.
कुछ मॉर्निंग बनाई जाता है सानू सब नु हसाई जाता है नाम है तेरा अनुभव सब सुबह सब की बधाई जाता है और अभी मेरे पास कुछ लाइंस हैं तुमको देने के लिए. मैं भी बहुत अच्छा लिखता हूँ और मैं बहुत सारे Absolutely. मतलब कुछ मैंने लिखा हुआ है. नहीं नहीं आप तो मल्टी टैलेंटेड. तो मुझे लगा इतने सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एक पर्सन के अंदर हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो क्यों ना आज मैं अपना गाना कंपोज ही करा लूं. बहुत से बहुत सारे मेरे जो गीत हैं जो सॉन्ग्स हैं इसमें लिखे हुए हैं. सो बहुत बड़ी फाइल है ये. सो इट्स लाइक सो मैं तुम्हें एक दो लाइंस दूंगा. अच्छा. सो उस पे थोड़ा सा कंपोज कर लेना. I'll try. इतनी टैलेंटेड हो तो अभी हो ही जाएगा. सो लाइंस आर लाइक मेरा सपना जे पूरा हो जावे. ठीक है. ते नवी ही दुनिया बन जावे. कैसा लिखा है? एक्सक्यूज मी, ये आपने लिखा है? या ऑफ कोर्स. अच्छा. ये इतनी मोटी मेरे पूरी फाइल है. डोंट लुक इनटू द फाइल. बट बिकॉज़ ये गाना थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है मुझे. जाना पहचाना. वाह. सी अभी मैंने कब लिखा ये? अभी से इल्जाम लगा रहे मेरे पे. दैट्स नॉट इल्जाम. नहीं मैंने तो बस सी यू गिल्टी. नो आई एम नॉट. मैंने तो इल्जाम लगाया ही नहीं. मैंने तो सिर्फ ये बोला जाना पहचाना लग रहा है. जाना पहचाना मतलब कुछ बोला नहीं. तो ये मेरा नहीं है. ये मेरा है. इसका कहां से हो गया? मैंने लिखा यार. कम ऑन. दिस मैं अभी आपको गा के सुनाऊं ये गाना. मेरा नहीं. ये तो अभी आप कंपोज करोगे. ये देख सकती हो? नहीं. आई मीन माय गॉड. या सी आई टोल्ड यू लाइक. सो ये गाना भी तुम्हारा है? चोर तो आप हैं. ये भी ये तुम्हारा. ये राइट. दिस इज पॉलीज डायरी. इट्स माय पॉलीज. दिस इज योर मदर्स डायरी. ये गाना भी तुम्हारा है. Yes, ये भी तुम्हारा. ये गाना उन्होंने लिखा हुआ. अभी तुम कहोगे जो लेडी यहाँ पे आ रही है वो मॉम भी तुम्हारी है. कौन आ रही है? नहीं अभी 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 आ रही है तो ये मॉम भी तुम्हारे हैं. आपके आगे मॉम. Okay, oh, what are you doing here? Oh, so welcome so to the happy show. To see you. Did they call you? Yes, they did. Oh. So welcome to Red Indies, auntie. Thank you. कैसा लग रहा है जसलीन और आप साथ में? You know, writer साथ में ही है जो कि mom है. And Jasleen told us कि यार आप ही की डायरी देख के वो उन्होंने सपना जो था and she composed that track. जी. So उस बारे में कुछ बताइए. बस मैं तो चुपचाप ही अपने ख्याल लिखती थी और मुझे पता नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये खुद ही चोरी से मेरी डायरी निकाल के पढ़ लेगी. She was always a naughty girl. I wasn't surprised that she did that. Okay. लेकिन जब मुझे पता चला और तब तक ट्यून इसने कंपोज कर ली थी. Oh. And she played it for me and I liked it very much. So that you can say was the beginning of a career for her and me. Okay. Because then I started writing for her because I knew that she would give life to my words. तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की. तो मैंने चोरी के लिए फिर डांटा नहीं ना. स्कोप नहीं छूटी. तो सिर्फ गाने ही लिखवाती थी कि या ये भी कहती मॉम आज हिंदी वाला SST वाला होमवर्क आपने करना है? नहीं ये नहीं था. ये तो खुद ही करती. She knew I wouldn't do it. So, okay. So, जब आपको टैलेंट का पता चला तो आपको लगा आप उन पेरेंट्स एक पेरेंट्स होते छोड़ो ये सब गाना बजाना पढ़ाई पे ध्यान दो. यू वर लाइक पढ़ाई छोड़ो गाने पे ध्यान दो होमवर्क मैं कर लूंगी. नहीं मैं बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं जब छोटी थी मुझे खुद बहुत शौक था गाने का. तो तब तो रेडियो होते थे और मैं रेडियो के पास बैठ जाती थी. जो कोई गाने आते सब मुझे आया करते थे. आई यूज्ड टू सिंग अलोंग विद द सिंगर्स. ओके. एंड माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू बिकम अ रेडियो सिंगर वन डे. तो इसलिए इसने तो मेरा सपना पूरा कर दिया. दैट्स सुपर सुपर. वेरी हैप्पी. सो ऐसा होता मेरा तो एक गाना भी नहीं होना था. आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो प्राउड ऑफ यू. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. अच्छा ऐसा होता है कि जब भी कभी रिश्तेदारों में फंक्शन होते हैं तो आपको पता है वो लिखती है वो गाती है. आपने तो जी जरूर आना है. आपके बिना नहीं चलेगा. आपने आना है. इट हैपेंस बट यू नो समटाइम्स लाइक द अदर डे आई रिसीव्ड वन सच इनविटेशन. ये अजीब बात है कि आपने यही बात कही है. Oh. तो उन्होंने कहा कि आप आना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और इफ दे वाचिंग दिस आई होप जसलीन पुत्र तो बिना गाए जाएगी नहीं. जसलीन तो बिना गाए जाएगी नहीं. जसलीन नु जरूर ले आए हो वो रौनक लगा देगी. या हैव बट सी स्टिल आई डिडंट क्वाइट थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू. या यू गो हैप्पीली एंड डू समथिंग. या ऑफ कोर्स. But you don't like to dance to people's tunes.
Right. We like to dance to your own tune. Wow, lovely. Yeah, absolutely. So, अभी उसी ट्यून की बात करेंगे, that's Supna, जो ट्यून जसलीन ने कंपोज कर ली, आपका लिखा हुआ, आपकी डायरी इसके हाथ लगी थी. So, Supna on Red Indies. All right. मेरा सपना जे पूरा हो जावे एक नवी दुनिया बन जावे तियां दा वाह वाह मान होवे इस धरती ते जन्नत आप उतर आवे क्यों नफरत करिए उस दिनू जदी सोभा कीती गुरुआ ने दिव्य समा दा रूप ही है जन जमे सारे राजान विने ए सच है डोली चढ़ दे जद पुत्र डोली ले आंदे ने वरती रंदी अपनी धी ही है जे कद पुत बेगाने हो जांदे ने की हक है सानू बदी दित्ती दौलत है जन्म के ना चाकरिए That was Red Indies debut. आज हमारे साथ ही जसलीन ऑलक राइट. और अगर आप भी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग सिंगर हैं, अपनी कॉम्पोजिशन है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, एंड यू वॉन्ट कि आपका भी रेड इंडीज डेब्यू हो, सो आपको कुछ नहीं करना है, रेड एफ एम इंडिया ऐप पे जाना है. नहीं है तो डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सेगमेंट मिल जाएगा रेड इंडीज डेब्यू. वहां पे जाइए, अपना काम शोकेस कीजिए, एंड रेड एफ एम की टीम आपको ढूंढ ही लेगी. सुपर हिट्स रेड एफ एम, बजाते रहो. 93.5 रेड एफ एम, 3.5 बजाते रहो.